ओवरऑल इट्स अ गुड फिल्म इफ यू आर एन एक्शन फिल्म फैन, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लेकर आइए, लेकिन अगर आप एक्शन की दीवाने, अगर आप जॉन अब्राहम के दीवाने हैं, इमरान हाशमी के फ़ैन हैं, तो आपके लिए आपके आपको अच्छी लगी। देखो सेकेंड हाफ में आ जाते हैं इमरान हाशमी तो ज़्यादा वजन डाल देते हैं, जॉन इज़ गुड इन इज ओन वे, मतलब उनके जो पंचेस हैं, उनके जो किक्स हैं, वी नो दैट द काइंड ऑफ इंटेंसिटी ब्रिंग्स टू द स्क्रीन, उनका जो फिजिक है कमाल का है, एक्शन के चॉप्स हैं काफ़ी कमाल के, बट इज द मैनिपुलेशन द फेस ऑफ बिटवीन जॉन अब्राहम एंड इमरान हाशमी दैट स्टील्स द शो। मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर आया था यार, मुझे लगा और कुछ होगा, लेकिन अगर आप जैसे मैंने कहा कि एक्शन के फ़ैन है, जॉन के फ़ैन है, हाशमी के फ़ैन है, तो आपको शायद ये पसंद आए। है ही नहीं यार कुछ, योयो हनी सिंह का गाना बिल्कुल नहीं जमा ही नहीं है, ऐसे लगा कि मतलब डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ना बीट ना कुछ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आउट ऑफ 5 कितना था? 2.5। पब्लिक को क्या रिकमेंड? यही अगर आप एक्शन के फ़ैन हैं तो ही देखिए, अगर आप जॉन के फ़ैन हैं तो देखिए, इमरान हाशमी के फ़ैन हैं तो ज़रूर देखिए। लेकिन इंटरवल के बाद पिक्चर बहुत अच्छी है और एक्शन मूवी है, जॉन काफ़ी दिन के बाद जॉन को देखने को मिला, बहुत अच्छा एक्शन किया है, पिक्चर टू द पॉइंट है, और जिसको एक्शन पसंद है उसको ये फिल्म ज़रूर पसंद है। जॉन और इमरान हाशमी की जिस तरह से केमिस्ट्री दिखाई जा रही है वो कैसा लगा? जॉन के सामने इमरान हाशमी तो फीके लग रहे थे एक्चुअली, क्योंकि पर्सनैलिटी वाइज और एक्टिंग वाइज भी जॉन ज़्यादा बेटर थे मेरे ख्याल में। फाइट शॉट में भी दोनों के, अभी जैसे अलग अक्षय और जॉन होते तो शायद टक्कर दिखती, लेकिन इमरान हाशमी उनके सामने छोटे लग रहे थे थोड़ा। मुझे पिक्चर का क्लाइमेक्स बहुत अच्छा लगा, मतलब प्रैक्टिकल दिखाया है, अभी मैं क्लाइमेक्स बता नहीं सकती, लेकिन क्लाइमेक्स ने पिक्चर को उठा दिया ऐसा बोल सकते हैं। और फिल्म में कुछ ऐसी बात जो आपको नहीं पसंद आई? नहीं, मुझे ऐसा कुछ तो नहीं लगा कि नहीं पसंद आई। टू दी पॉइंट पिक्चर बनाई है, मुंबई में जो वॉर सब होता है पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच में, उसी को हाईलाइट किया है, तो ओवर एंड ऑल पिक्चर टू दी पॉइंट है, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा ज़बरदस्ती कुछ ठूसा है या गाने ज़बरदस्ती डाल दिए हैं या हीरो हीरोइन को ज़बरदस्ती में दिखाया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो मतलब हाँ ये है कि इस तरह की बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं और आने वाली भी है आगे भी, लेकिन ये भी अच्छी थी, इसको बुरा भी नहीं बोल सकते। सॉन्ग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे मैम? सॉन्ग एक ही है हनी सिंह का, वो अच्छा लगा, सॉन्ग की गुंजाइश भी नहीं थी पिक्चर में। हाँ बैकग्राउंड म्यूजिक पिक्चर का अच्छा है, टचिंग है पूरा, अच्छा लगा, मज़ा आया। थ्री ठीक ठाक लगी, मतलब उतना भी सैटिस्फाइंग और ग्रेटिफाइंग एक्सपीरियंस नहीं था। आई मीन आई बैक टू द थिएटर्स आफ्टर अबाउट अ ईयर, दिस इज माई फर्स्ट प्रीमियर स्क्रीनिंग दैट आई अटेंडेड आफ्टर द लॉकडाउन, सो आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, अनफॉर्चुनेटली आई फेल ऑन माई फेस फ्लैट। जॉन अब्राहम एज फार एज हिज एक्टिंग इज कंसर्नड आई कैन नॉट रियली कॉमेंट मच ऑन इट, आई फाउंड इट अ लिटिल टू यू नो overdone, but I don't know, something is wrong with his face. I mean, I have been saying this over and over, I don't know, I feel his face is a little too wrinkly for some reason. It looked really weird. I don't know what is he actually doing, but then it doesn't look good on screen, especially when you're standing with Sunil Shetty, and Sunil Shetty is looking much better in the skin, in terms of the skin, and he's much younger to him, so dekhke ajeeb sa lagta hai. Kaun? Amol Gupte was an okay job done. I wouldn't say he did something extraordinary. He did not be, I mean, I'm not saying ki, you know, unhone kuch, matlab unko kuch karne ka bahut zyada mauka bhi mila, but then he was not extraordinary. But then he was not bad. He was okay. Songs were misplaced. Songs were weird. I mean, एक ही गाना था if I'm not wrong, वो हनी सिंह का गाना था, और I don't know if a particular film is set in the 80s, उस वक्त rap और ये अजीब वगैरह मचेगा और नाचेगा हिलेगा, what kind of lyrics, what kind of absolutely outrageous screenplay, suddenly मतलब वो audiences को cater करने के लिए, audiences भी चूतिया रहेंगी अगर वो देखेंगी ये फिल्म जाके, प्लीज़ कट कर देना उसको, audiences भी stupid रहेंगी अगर मतलब दे एक्चुअली गो विद द सॉन्ग एंड एवरीथिंग फॉर दैट मैटर, रियली रिडिकुलस। स्टोरी थी नहीं, ऐसा लगता है इट वाज लाइक
वो जिक्सा पजल को मैच मतलब ये करके एक तरह से स्क्रीन प्ले में तब्दील कर दिया गया है. मेरे हिसाब से देर वॉज नॉट इनफ मीट इन द स्टोरी. आई वुड से इट्स 1.5 आउट ऑफ 5. मुंबई सागा मुझे अच्छा ठीक ठाक लगी और क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ गई थी क्योंकि जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी को साथ में देखना एक अलग एक्सपीरियंस है. तो एक्सपेक्टेशन हाई थी, फिल्म एक्सपेक्टेशन के आसपास नहीं आ पाई. तो स्टोरी मेरे हिसाब से इतना नहीं होल्ड करके रख पाई जितना हम उम्मीद कर रहे थे. बट ठीक है, जिस तरीके से एक्शन ने ओवरटेक किया स्टोरी को वो कहीं ना कहीं फिल्म की खासियत है. एक्शन भाई इमरान हाशमी मेरे फेवरेट हैं पर दोनों ही अच्छे लगे, पर कहीं ना कहीं जॉन अब्राहम भारी पड़ गए इमरान हाशमी. जी फाइट सीन में जी जी मुझे वो सॉन्ग ज़रूरत नहीं थी पर अब डालना था तो उन्होंने डाल दिया. ठीक है, अच्छा है, हनी सिंह को सुनना हम पसंद करते हैं तो ओके था सॉन्ग जी. वो बहुत अमेजिंग थे, बहुत अमेजिंग थे, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम. महेश मांजरेकर जी की बात ही यू नो निराली होती है. वो जब भी कोई किरदार करते हैं अपना जी जान लगा देते हैं. तो आउट ऑफ फाइव मैं 2.5 देना चाहूँगा. मुझे संजय गुप्ता की फिल्में पसंद आती हैं कांटे से ही. उनका जो मेकिंग ऑफ सिनेमा है वो काफ़ी ग्रैंजर, एक्शन, ये सारी चीज़ें उसमें बहुत अच्छी होती हैं. और हमेशा मतलब जो एक कहानी में ट्विस्ट और टर्न्स होते हैं, मतलब ये आपको लगता है कि होगा कुछ ग्रे साइड उस तरह से होगा, तो मुझे एक्शन और वो सारी चीज़ें अच्छी लगी. लेकिन जो मुझे थोड़ी सी दिक्कत ये लगी कि जो मुंबई और अंडरवर्ल्ड और भाई और वो टाइम का जो 80 का जो हमारा जो एरा है उसके बारे में, मतलब हम लोग काफ़ी बार इस तरह की कहानियां हम पर्दे पे देख चुके हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे एक रिपीटेशन लगा. दोनों दोनों का बहुत अच्छा काम रहा, दोनों नहले पे दहला ही मैं कहूँगी. दोनों को मतलब डायलॉग्स वगैरह हो या एक्शन हो या परफॉर्मेंस वाइज हो, डायरेक्टर ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि दोनों अपने अपने रोल में एक दूसरे पे नहले पे दहला साबित हों. हनी सिंह बहुत टाइम के बाद नज़र आए और हम देखते हैं कि जब इस तरह की हैवी एक्शन फिल्में होती हैं जहाँ पे मार धार और बहुत इंटेंस और टेंशन चल रहा होता है तो एक डायरेक्टर की सोच होती है कि वो एक गाना उसमें डाल देते हैं और सोचते हैं कि शायद वो ऑडियंस के लिए एक रिलीफ हो. लेकिन मुझे लगता है कि वो इस तरह के इंटेंस और एक्शन ड्रामा में वो रिलीफ नहीं होता, वो एक डिस्टर्बेंस ही हो जाता है समटाइम. जी थैंक यू. बहुत बेहतरीन पिक्चर है, अपने घर से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है, कोविड को भूलिए, जॉन और इमरान के लिए पक्का ये मूवी देखने आई है आप. मुझे लगता है इमरान को जिम जाना पड़ेगा और जॉन तो माशाल्लाह इनकी बॉडी देखकर तो मुझे लगता है पूरी पिक्चर सिर्फ उन्हीं को देखना है और किसी को देखना नहीं है. 5.5 स्टार, 5 से भी ज़्यादा 5.5 स्टार, बिकॉज घर से निकलने का मौका मिला, पॉपकॉर्न खाने का मौका मिला और सबसे बड़ी बात जॉन का धमाकेदार रोल प्लस संजय मांजरेकर जी ने जो डायलॉग डिलीवरी और अमोल गुप्ते ने जो करिश्मा दिखाया है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उमदा है. गाने में योयो जी ने फिर से कमबैक किया है. आई एम थिंकिंग ऑल द बेस्ट टू योयो, बट इतना पैक नहीं रहा, बट मोस्टली आई थिंक आएंगे और भी अच्छी चीज़ें आएंगे. थैंक यू सो मच. देखिए लॉकडाउन, एक लंबे लॉकडाउन के बाद ना अलग अलग तरह की कहानियां आपको सिनेमा हॉल में खींचती हैं. हमने इसके पहले रूही देखी थी और वो एक अलग तरह की कहानी थी और बहुत समय के बाद हम मार धाड़, एक्शन, स्टंट, गाड़ियां, एक अलग तरह का कलर, एक अलग तरह का फील है वो आपको सिनेमा हॉल की कुर्सी में चिपका के रखता है, आप फिल्म छोड़ के बाहर नहीं निकलेंगे. हाँ, एक दूसरी बात, एट द सेम टाइम कुछ फिल्में होती हैं जिनको हम कहते हैं कि ये मस्ट वॉच है, इसको देखो ये आपकी लाइफ में कोई बदलाव करेगा, ये वो फिल्म नहीं है लेकिन आपको ये एंटरटेन करेगी क्योंकि हमारे यहाँ मास ना ऐसी फिल्में पसंद करती है, ऐसी फिल्में 100 करोड़ कमाती हैं क्योंकि उनको पसंद है एक्शन देखना, स्टंट देखना. जॉन ऐसे ही बहुत बड़े स्टार नहीं हैं, उनको लोग देखते हैं इसलिए. बाकी रहा जॉन और इमरान सवाल आप पूछ सकते हैं.
देखिए कहानी अच्छी चलती है। अब मैं बीच में गूगल सर्च कर रहा था कि है कौन अमर्त्य राव, है कौन और वो जिंदा है कि मर गया, ये मतलब यू नो इसकी कहानी क्या है, क्योंकि मैं अमर्त्य राव को नहीं जानता था क्योंकि मैं मुंबई में पला बढ़ा नहीं हूँ, मैं अभी आया हूँ। तो मैं उसको बहुत सर्च कर रहा था, तो कहानी आपको आगे जान मतलब आप बीच में मैं गूगल सर्च कर रहा हूँ इंटरवल के समय, तो मतलब मुझे कुछ ना कुछ तो फिल्म दे रहा है जिसको मैं जानना चाहता हूँ, और फिर ये ट्रू स्टोरी है। फिर आज भी वो मिल बंद है जिस मिल को लेकर अमर्त्य मतलब जिस उसमें मारे गए, वो मिल अभी भी आज बंद है। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं जो ट्रू स्टोरीज होती है ना, ट्रू इवेंट्स, वो आपको कहीं ना कहीं बांध के रखते हैं। देखिए पर्सनली ना मैं दोनों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जॉन अपने आप में एक अलग पर्सनैलिटी के लिए फ़ैन हूँ मैं उनका, और इमरान बहुत दिमाग वाले हैं। आप लोग शायद मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जैसे हम सैफ अली खान को कहते हैं ना वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो पर्सनली इमरान खान भी, इमरान हाशमी भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, और मैं इमरान की एक्टिंग का फ़ैन हूँ जॉन के सामने, क्योंकि इमरान जो काम करते हैं ना उनको जब मौका दिया जाए और जो स्क्रीन पर कैमरे के साथ खेलने का काम है वो बहुत सहजता से करते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जॉन जब कैमरे के सामने आते हैं वो थरथराने लगते हैं, आज भी जॉन घबराते हैं कैमरे के सामने, जब तक जॉन कैमरे के सामने घबराना नहीं छोड़ेंगे तब तक जॉन से कैमरे में प्यार नहीं होगा। असल ज़िंदगी में एक्चुअली मैं जॉन को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं आप मुझे कहेंगे कि जब वो एक्टिंग करते हैं तो मुझे थरथराते से दिखते हैं, सॉरी वो उनकी बॉडी, उनका चेहरा, उनकी आँखें सब कुछ घबराई से दिखती हैं। कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं फिल्म को 2.5 स्टार दूँगा। तो मैम कैसी लगी आपको? कैसी? मुझे मतलब अच्छी लगी पिक्चर, थोड़ी हटके एक्शन मूवी है, मतलब थोड़ा बचकंडी कम है इसके लिए मुझे अच्छी लगी। जॉन की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, जस्टिफाई कर रहे थे रोल को। इमरान हाशमी मतलब उन्होंने ऐसे तो एक्टिंग अच्छी की, लेकिन जॉन के सामने थोड़ा फीके लग रहे थे, क्योंकि जॉन की जो पर्सनैलिटी है और रोल के हिसाब से जो थे वो, उस हिसाब से इमरान हाशमी थोड़ा कम लग रहे थे, लेकिन इमरान हाशमी ने भी अलग एक्टिंग की है तो अच्छे लगे वो भी। क्या लगता है आपको कि थिएटर में शोर मचेगा या नहीं मचेगा? एवरेज जाएगी मुझे लगता है, मतलब पिक्चर अच्छी है, लेकिन ऐसी पिक्चरें बहुत सारी आई हैं और आगे आ भी रही हैं, सत्यमेव जयते भी शायद ऐसी है समवॉट, तो पिक्चर अच्छी है, उसको मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि पिक्चर ख़राब बनी है या टू दी पॉइंट है। महेश मांजरेकर की एक्टिंग अच्छी है जॉन के अलावा, पिक्चर में कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं ठूसा गया है, प्लस पिक्चर का एंड बहुत अच्छा है। लेकिन अमोल गुप्ता एज अ विलन अच्छे लगे, उनकी एक्टिंग भी अलग अटके थी, वो किसी को जस्टिफाई कर रहे हैं रोल में वो पता चलता है तो लेकिन अच्छी एक्टिंग की उन्होंने। सॉन्ग्स की अगर हम बात करें, सॉन्ग्स तो एक हनी सिंह का है वही अच्छा है, बाकी सॉन्ग्स तो है नहीं, और पिक्चर में गुंजाइश भी नहीं थी सॉन्ग्स की। आउट ऑफ 5 कितना? 3।